हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काम्या, तेरे बर्थडे पार्टी में ना बहुत मजा आया। सबको मजा आया मगर बर्थडे गर्ल को मजा नहीं आया। ए काम्या, अब तो हंस दो। कितनी डरावनी शक्ल बना के रखी है तुमने। स्टॉप इट विकी, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। तुम नहीं समझोगे कि मुझ पर क्या बीत रही है। जिस दिन कोई तुम्हारा दिन रात पीछा करे, तुम पर नजर रखेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस टेंशन से गुजर रही हूँ। भाई मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ कि कोई प्रेम दीवानी आएगी और मुझसे कहेगी राजीव आई लव यू यार, कितना मजा आएगा। कितना मजा आएगा राजीव, ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है ना। फाइन, जिस दिन ये सब तुम्हारे साथ होगा ना, तब पता चलेगा तुम्हें। काम्या, तुम एक फेमस और खूबसूरत मॉडल हो, तो फेमस होने की कुछ तो कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी ना। बस करो राजीव, आज काम्या का बर्थडे है, एटलीस्ट आज के दिन तो मत लड़ो। एंड रिलैक्स काम्या, पिछले 24 घंटों से उस दीवाने आशिक ने तुम्हारा पीछा नहीं किया। ये बात तो है। एंड इग्नोर हिम, तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो वो अपने आप किसी और की तलाश में निकल जाएगा। अच्छा, हम सब ना तुझे घर के अंदर तक छोड़ के आते हैं। हाँ, चलो। ये नहीं हो सकता। उस आशिक ने इसकी नौकरानी बिंदु को भी मार डाला। विकी, हमें सबसे पहले बिंदु की लाश को नीचे उतारना होगा। हमें इसकी लाश को हाथ नहीं लगाना चाहिए, हमें CID को बुलाना चाहिए। पहले देख तो लो, शायद जिंदा हो अभी भी। हाँ। इसका शरीर तक अब ठंडा पड़ चुका है। कुछ भी हो विकी, हमें बिंदु की बॉडी को नीचे उतारना ही होगा। क्योंकि तुम हाँ, वो सीढ़ी लेकर आओ, जाओ जल्दी। मैं ऊपर जाता हूँ, रस्सी खोलता हूँ, तू नीचे से पकड़ा। पकड़ना विकी, विकी पकड़ना। हमें इसकी लाश को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, हमें CID को बुलाना चाहिए था। पर अगर CID को बुलाएंगे तो वो आदमी गुस्से में कहीं काम्या को तो भी क्या करे? हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे, रहना उसको नीचे। तो क्या कर सकते हैं हम? रुको, मुझे सोचने दो। गिफ्ट बॉक्स, उसमें क्या है? लेटर? काम्या, उस आदमी ने तुम्हारे लिए और एक लेटर भेजा है। एक और चिट्ठी? आखिर वो चाहता क्या है मुझसे? चाहता क्या है मुझसे? लिखा क्या है चिट्ठी में? लिखा है कि जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो काम्या, ये बिंदु की लाश नहीं तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। बिंदु तुम्हारी नौकरानी थी मगर ठीक से तुम्हारा ख्याल नहीं रख रही थी, इसी की सजा मिली है उसे। कोई बात नहीं, तुम दूसरी नौकरानी रख लेना, और अगर CID को बुलाने की कोशिश की तो एक एक करके तुम्हारे सभी दोस्तों को ऊपर पहुंचा दूंगा विद लॉट्स ऑफ लव एंड किसेस। तुम्हारा दीवाना मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ वो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, मार देगा हम सबको वो, मार देगा। मुझे तो लगता है हम सबको इस शहर को छोड़कर बहुत दूर चले जाना चाहिए, कहीं दूर। नहीं, वो बहुत चालाक है, हम जहाँ जाएंगे वो वहाँ पहुँच जाएगा, चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना चले जाए। उससे बचने का एक ही तरीका कि मैं अपने आप को मार दूँ। पागल मत बनो, पागल मत बनो। तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ? तुम अपने आप को क्यों मारोगी? इस डर के सहारे से मरने से अच्छा है कि मैं खुद को मार दूँ। हम उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? अगर CID को पता नहीं चलेगा तो हम सब बच जाएंगे। लेकिन हम इस लाश का करेंगे क्या? वो हमें सोचना पड़ेगा। Thank you.
मैडम आप सिक्योरिटी की टेंशन मत लीजिए, इस सोसाइटी में सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त है, बाहर कैमरा लगा है, इंटरकॉम है, 24 घंटे पैरा रहता है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, कल आप हमें एग्रीमेंट और NOC की कॉपी भिजवा दीजिएगा। बिल्कुल मैडम, वो आपको मिल जाएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है? सामने वाले फ्लैट में ईशान नाम का एक लड़का रहता है। लीजिए, नाम लिया हाजिर। आइए मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं। आइए। अरे ईशान भाई, आइए। और ईशान कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। ये आपकी नई पड़ोसी है काम्या जी, इस फ्लैट में रहने के लिए आई। मैंने आपको पहले कहीं देखा है? ओ माय गॉड, आप तो वही मशहूर मॉडल काम्या कुमार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आई कांट टेल यू, मुझे आपके एड्स बहुत पसंद है, स्पेशली वो चॉकलेट वाला, उसमें आपकी जो स्माइल है ना, वाओ, आई मीन वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाय द वे, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे मांग सकती हैं। मैं जानता हूँ फ्लैट शिफ्ट करना बहुत सिरदर्दी का काम है ना। वैसे आपके साथ यहाँ कोई रहता है या? इफ यू मीन आई एम सिंगल, प्लीज डोंट माइंड, एक्चुअली काम्या कुछ जल्दी फ्रेंडली हो जाती है। No, it's okay, pleasure is all mine. Bye, see you later. Phone? किसका फोन है? उसी का फोन है। फोन मत उठाना उसका प्लीज। पता तो चले, फोन तो साइड पे रख दे। तू कहना क्या? मैं बोल रही हूँ ना, फोन मत उठाओ प्लीज। हेलो। I'm sorry sweetheart, तुम्हें इतनी खूबसूरत नींद से जगा दिया। कौन? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? वो तो नामुमकिन है। अच्छा जरा अपने फ्लैट की बालकनी में तो आना। बालकनी में क्यों? ज्यादा सवाल करोगी तो अंजाम बुरा होगा। नहीं नहीं, मैं आती हूँ। क्या हुआ, क्या कह रहा है वो? काम्या मेरी बात तो सुनो, तू जा कहा रही है? काम्या तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा तुम्हें अंदर आ। तू, मैं गार्डन की तरफ खड़ा हूँ। हाय। आप आए, बाहर आई, आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? एक शर्त पर। क्या? तुम अभी इसी वक्त नीचे आकर मुझसे मिलो। क्यों? मैं नीचे नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं, मैं ऊपर आ जाता हूँ, इसी बहाने तुम्हारा नया फ्लैट भी देख लूंगा। तुम आता ना प्लीज, मैं ही आती हूँ। दैट्स लाइक अ स्वीट गर्ल। काम्या मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? काम्या मेरी बात सुनो, काम्या, हेल्प प्लीज, दरवाजा खोलो, हेल्प प्लीज, अब मेरे साथ चलिए, काम्या की जान को खतरा, प्लीज प्लीज अब चलिए। काम्या, काम्या सुनो। क्या हुआ ईशान, क्या हुआ? अरे उसकी जान खतरे में, खबरदार कोई आगे आए तो काम्या का भेजा उड़ा दूंगा। अरे यार कोई तो बचाओ इसको, वॉचमैन। काम्या मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था, तुम इन सबको भी साथ ले आई, वेरी बैड। ए ये गन नीचे कर दो, तुम बच कर नहीं जा सकते, मैं तुमसे कह रहा हूँ। हीरो मुझसे पंगा मत ले, जान प्यारी नहीं है क्या? चल निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, पहले इस लड़की को छोड़ दो। काम्या को तो मैं ऊपर पहुंचा के रहूंगा, रोक सको तो रोक लो। तुझे यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। चलो चल काम्या, घबरा मत, घबरा मत। थैंक्स ईशान, अगर तुम नहीं होते तो ना जाने वो काम्या के साथ क्या करने वाला था। फिक्र मत करो, अब वो काम्या का बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैंने CID को बुला लिया है। व्हाट, ये क्या किया तुमने? CID को बुलाने की क्या जरूरत थी? CID को बुलाने की कैसे जरूरत नहीं थी काम्या, तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था, तुम्हारी जान जाने वाली थी, अरे CID को तो बुलाना ही था ना। हाँ काम्या, ईशान बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हारे साथ इतने महीनों से ये सब हो रहा है, अरे तुम्हें तो पहले ही CID को बोल देना चाहिए था। मुझे CID की कोई जरूरत नहीं, तुम प्लीज उन्हें फोन करके यहाँ आने से मना कर दो। अब तो बहुत देर हो चुकी है, पहुँच गए हम लोग। आप लोग मेरे घर के अंदर कैसे आए? आपके घर का दरवाजा खुला था, आगे। सर ऐसा कोई सीरियस इश्यू नहीं है, आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, आप लोगों के पास तो और भी इम्पोर्टेंट केसेस होंगे ना। देखिए मैडम, कौन सा केस इम्पोर्टेंट है और कौन सा केस इम्पोर्टेंट नहीं, ये हम डिसाइड करते हैं।
वैसे कामिया जी, किसने हमला किया था आपके ऊपर? है कोई आशिक दीवाना, पिछले 2 महीनों से वो मेरा पीछा कर रहा है। दीवाना आशिक आपका और आपकी जान लेना चाहता है। सर अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता ना तो उसने कामिया को इस गन से मार ही दिया होता। इस गन से? अच्छा, वैसे तुम? मैं ईशान हूँ सर, मैंने ही आपको फोन किया था। तुमने तो उस आदमी को देखा भी होगा। सर उसका हुलिया बहुत ही अजीब सा था, सर पे टोपी थी और उसने चश्मा पहना हुआ था, और हाँ सर उसके दाढ़ी मूछ भी थी। सर लगता है ये आदमी हुलिया बदल के आया था। हाँ सर, वो बहुत चालाक है और खतरनाक भी, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। कौन हो सकता है? तुम्हें शक है किसी पर? नहीं, वैसे मेरे कोई दुश्मन भी नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ा है वो। नहीं नहीं कामिया, तरह सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो, हो सकता है कोई प्रोड्यूसर हो, कोई एक्टर हो, या फिर कोई फैन भी हो सकता है। नहीं सर, मैंने हमेशा अच्छे लोगों के साथ काम किया है, ये तो कोई और ही है, ये मुझे फोन करके धमकी भी देता है। फोन भी करता है? मतलब उसका नंबर है तुम्हारे पास? नहीं, वो मुझे प्राइवेट नंबर से फोन करता है। प्राइवेट नंबर तो आसानी से मिलता नहीं, प्राइवेट नंबर है मतलब कोई बड़ा आदमी होगा। कद क्या है उसकी? 5'10" या 5'11" होगी, हट्टा कट्टा था और उसका रंग भी गोरा था सर। अगर कामिया एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर वो आदमी पिछले 2 महीनों से तुम्हें परेशान कर रहा था तो फिर तुम्हें आज जरूरत पड़ी हमें बताने की? आप तो जानते हैं कि मैं एक मॉडल हूँ, अगर ये बात प्रेस को पता चल जाती तो इसका सीधा असर मेरे करियर पे पड़ता। ये बात है या फिर कोई और वजह? और कोई क्या वजह हो सकती है? तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। सर एक मिनट, क्या छुपा रही हो? नजरें क्यों छुपा रही हो हमसे, बताओ क्या बात है? सर आज ही कामिया पर हमला हुआ और आप सब, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि सच्चाई क्या है। आयशा हमें सच पता देना चाहिए। चुप रहो, बताओ कामिया। सर वो 22 फरवरी को क्या हुआ? 22 फरवरी को जब मैं और मेरे दोस्त मेरी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके मेरे पुराने घर वापस लौट रहे थे, तब क्या हुआ? तब हमने देखा कि उसने मेरी नौकरानी बिंदु को फैन से लटका कर मार दिया। क्या? तुम्हारी नौकरानी बिंदु का खून कर दिया उस 22 तारीख को, और ये तुम हमें आज बता रही हो? सर वो उसने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने किसी को कुछ भी कहा तो वो हम सबको मार देगा। उसकी लाश कहाँ? वो लाश कहाँ है? लाश लाश हमने छुपा दी सर। What? Sorry सर, हमसे गलती हो गई। तुम्हें पता है कितना बड़ा गुनाह किया तुमने? दोनों को ब्यूरो ले चलो, और कामिया के साथ जितने भी दोस्त थे उस दिन पार्टी में सबको ब्यूरो बुलाओ। जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह किया है तुम लोगों ने, एक लाश को छुपाकर खूनी की मदद की है तुमने। हम लोग डर गए थे। चुप, डर गए थे? तुम सबने मिलकर बिंदु को ऊपर पहुंचाए। नहीं सर, हम बिंदु का खून क्यों करेंगे? हम तो वैसे भी उस आदमी से डरे हुए थे जो मेरे पीछे पड़ा है। उस आदमी की गन भी आपको दी ना ईशान ने। सर हाँ। कामिया के पुराने घर में से ये जो धमकी भरे लेटर्स मिले हैं उसमें जो लिखावट है वो इनमें से किसी की भी नहीं है सर। अब तो आपको यकीन हो गया होगा सर कि हम लोग बेकसूर हैं। अभी नहीं, समझे विवेक? सर ये सारी चिट्ठियां फोरेंसिक लैब में भेज दो डॉक्टर साळुंखे के पास। यस सर। और सर आप जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप जा सकते हैं। सर हाँ, ये गन जो ईशान ने उठाई थी ये सहवियों की गन है सर, मगर ये गन 2 साल पहले सहवियों ने किसी को बेच दी। इन 2 सालों में ये गन किस किस को बेची गई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे पास अब सिर्फ बिंदु की लाश है और वो चिट्ठियां है। सर ये कामयाबी तो है, हो सकता है ये आदमी अगर इसकी हर हरकत पे नजर रखता है तो उसे ये भी पता होगा कि अब ये केस हम लोग हैंडल कर रहे हैं। वो जरूर तुमसे मिलने की कोशिश करेगा कामिया। अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि हम लोगों ने सीआईडी को बुला लिया है। उसकी हरकतों से तो लगता है कि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। फोन जरूर करेगा वो। हाँ वो पागल है, पूरी तरह से पागल है। बस एक बार वो पकड़ा जाए। हम लोगों ने ऐसे पागल दीवानों का इलाज बहुत अच्छी तरह से किया है। काम्या पागल हो गई हो क्या? ये दूध है, जूस नहीं।
पता नहीं इस सब की वजह से मैं किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। काम्या तुम दूध नहीं पीती क्या? काम्या को दूध से एलर्जी है, दूध उसके लिए जहर है। उसी का फोन है। काम्या डरो मत, फोन उठा। हेलो। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, मैंने सुना है कि तुम अपनी शूटिंग पर फिर से जाना शुरू करने वाली हो। वेरी गुड, कब से? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे डरकर घर पर छुपकर बैठूंगी? हाँ, सीआईडी को नहीं बुलाना चाहिए था तुम्हें, अब इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। क्या करोगे तुम? मार डालोगे मुझे? मार दो, आ जाओ मेरे सामने। अगर हिम्मत है ना, सबके सामने अपना असली चेहरा दिखा। हो जाए, या तो इस बार या तो उस बार। वेल डन काम्या, तुमने बहुत बहादुरी से काम किया है। बहादुरी या बेवकूफी, ये तो बाद में पता चलेगा। आयशा, काम्या ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया है। ऐसे मुजरिमों के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। ये लो मेरी गन। गन? देखो काम्या, वैसे तो तुम्हें इस गन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले कि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके, हम लोग उसे पकड़ लेंगे। और अगर उसने तुम्हें मारने की कोशिश की तो तुम गोली मार देना उसे। ओके, रेडी, माइंड ब्लोइंग, सुपर हिट है। एक मिनट, ये सच्चू बाबा? अरे वीवो क्या कर रहा है, ये छतरे थोड़ा अंदर लेके आना। यस सर। सच्चू बाबा, अरे मेनका जी, रेडी सर? काम्या सर, सॉरी, काम्या रिलैक्स रहने का, थोड़ा हमको अच्छा अच्छा चोट देने का। आई एम लुकिंग ग्रेट ग्रेट, लेकिन थोड़ा हार्ड है। आपने को सॉफ्ट मांगते, आप थोड़ा सॉफ्ट घुमाएगा। एक मिनट, सचिन एवरीथिंग रेडी ना? हाँ सर, सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ सारे लोग अपने हैं, बाहर का कोई भी नहीं है सर। वेरी गुड, यहाँ पे तो सब ठीक ठाक है। सचिन बाबा एंड मेनका, यू आर रेडी? काम्या जी, सॉरी, बाबा थोड़ा ऊपर देखने का, कभी नीचे देखने का, कभी लेफ्ट देखने का, कभी राइट देखने का। रेडी? काजल बहुत टेंस लग रही है, जरा तो संभाल। काम्या रिलैक्स, तुम बहुत नर्वस लग रही हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा आखिरी दिन। पहले तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो। हम लोग हैं ना यहाँ पर सिर्फ अपनी गन तैयार रखना। ओके, वेरी गुड, माइंड ब्लिंक। मुझे ब्रेक चाहिए। ब्रेक, ओके, आपका ब्रेक। और दादा, मुझे जूस चाहिए। जी मैडम। आपका थोड़ा सोलो पोटल क्या? सुपर। मेम साहब दूध। मैंने तो जूस लाना। काम्या पागल हो गई हो क्या? काम्या को दूध से एलर्जी है, दूध उसके लिए जहर है। तुम काम्या अपनी गन निकालो। तू मारेगी मुझे? छोड़ दे इसे, नहीं तो गोली मार दूंगा। उससे पहले मेरी गोली इसका भेजा उड़ाएगी। डायलॉग मारना बंद कर, गन नीचे रख। मैं डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, अपनी अपनी गन नीचे रखो वरना गोली मार दूंगा इसे। नहीं, भेजा उड़ा दूंगा, गन नीचे। ओके। गन नीचे। हटो आगे से। अब लड़की को छोड़ दो। कोई पीछे आया तो भेजा उड़ा दूंगा इसका। तुम गलत कर रहे हो समझे? छोड़ो उसे। पीछे? छोड़ो मुझे। प्लीज मुझे छोड़ो। गन छोड़ो। गोली मार दूंगा मैं इसे। गन नीचे करो। छोड़ो। गोली मार दूंगा। छोड़ो। तुझे छोड़ने की गलती नहीं करूंगा आज मैं। गन नीचे। सुनो बात मान जाओ, अगर तुमने काम्या को गोली मारी तो तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारे फांसी के फंदे से नहीं डरता। बहुत गलती कर रहे हो, बात समझो, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, समझे? कुछ नहीं समझना मुझे, आज तो ये गई। Thank you.
आइए सर। लाश का पोस्टमार्टम तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं सर, हम जानते थे सीआईडी का मामला है, इसलिए हमने पोस्टमार्टम नहीं किया। ये देखिए सर, इसकी जेब में से कुछ मिला है? वॉलेट और मोबाइल मिला था। सुनो, वो जो हमें वॉलेट और मोबाइल मिला था इनकी पॉकेट से, वो लेकर आना। ठीक है सर। सर ये लीजिए सर। देखो क्या मिलता है। ये वॉलेट में बहुत सारे पैसे और एक क्रेडिट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है। नाम था इसका शुभांकर। शुभांकर, इसने अपने मोबाइल फोन से कई सारे फोन किए मगर एक भी फोन कामिया को नहीं किया, क्योंकि कामिया को ये किसी और नंबर से फोन करता था, प्राइवेट नंबर से। ठीक है, नकली मूंछ और ये नकली दाढ़ी, और तो और इसने अपने बाल भी सफेद किए। तो ये है असली चेहरा शुभांकर का। पता लगाते कि शुभांकर था कौन और इसका बैकग्राउंड क्या था, और इसकी मौत एक एक्सीडेंट थी या फिर सोची समझी साजिश। भाई भाई, ये रहे। सर हमें यहाँ क्यों बुलाया? शुभांकर ने तुम्हारे बैंक में अकाउंट खोले? सर मैं सिर्फ हाँ कहूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। हम अपने क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। बताना पड़ेगा, बहुत सीरियस मामला है। सर उसके लिए आपको कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ेगा। सचिन, इनके घर में फोन करके बताओ कि ये रात को घर नहीं लौटेंगे। इसका मतलब आप मुझे यहाँ बंद रखेंगे? हाँ यहीं पर। मजाक लगा के रखा है क्या? खून का मामला ये, खून का। और खून से बढ़कर एक ही गुनाह हो सकता है, खूनी को पकड़ने में मदद नहीं करना, जो तुम कर रहे हो। बताओ शुभांकर ने कितने अकाउंट खोले हैं तुम्हारे बैंक में? दो अकाउंट खुलवाए। दो अकाउंट? हाँ, एक उसके अपने नाम से और एक उसकी कंपनी के नाम से। और? नहीं सर, और तो कोई अकाउंट नहीं था। और किसी लड़की के नाम पर अकाउंट खोल के रखा? नहीं सर। तुम शुभांकर की कंपनी में MD हो ना? जी सर। ये देखो, ध्यान से देखो इस फोटो को। ये लड़की तुम्हारे ऑफिस में कभी आई थी क्या? नहीं सर। कामिया नाम है इसका, कामिया। कभी शुभांकर के मुंह से इसका नाम सुना है? इसके बारे में बात करते हुए सुना है? शुभांकर सर की लाइफ में कोई लड़की नहीं थी सर। आपके शुभांकर जी इस लड़की के प्यार में पागल थे और उसी वजह से अपनी जान गंवा बैठे, और आप कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई लड़की थी नहीं। अगर सर मैं वो ट्रक के बारे में पता चल गया है सर, सोडी ट्रांसपोर्ट का है सर। उसका नंबर है तुम्हारे पास? हेलो जी, सोडी ट्रांसपोर्ट जी, अमृत निगम स्पीकिंग। अमृत निगम जी, मैं ACP प्रद्युमन CID से बोल रहा हूँ। किसका फोन है? तेरे ससुराल से हुए है, CID वालों का है। CID वालों का? पर CID वाले आपको क्यों फोन कर रहे हैं? बात करूंगा तो पता चलोगे ना। हाँ हाँ सर जी, सॉरी आपको रखा के रखा। देखिए जरा गौर से मेरी बात सुन लीजिए। हाँ सर जी बताइए। एक लाल रंग का ट्रक, नंबर है UP71A4343। इस ट्रक ने एक आदमी को उड़ा दिया है, जान से मारा है। मार दिया? जी हाँ। क्या ये ट्रक आपका है? कहाँ नंबर बताया? नंबर है UP71A4343। UP71A4343 नंबर तो जाना पहचान। अरे हाँ सर जी, ये तो हमारा ही वो लाल ट्रक है जो अहमदाबाद से चोरी हो गया था, वो जुलाई 2011 में। तो कंप्लेंट वगैरह तो फाइल की होगी ना तुमने? हाँ सर जी, दर्ज कराइए। हाँ तो FIR की कॉपी भिजवा देना। अभी भिजवा देंगे। और कोई सेवा तो बताइए। नहीं नहीं अमृत जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी बहुत मदद की है। थैंक यू वेरी मच। अजी CID वालों ने क्या कहा? अरे घनश्याम, जो पिछले साल हमारा ट्रक चोरी हुआ था ना, वो लाल वाली अहमदाबाद से। हाँ। वो ट्रक ने किसी को मार गिराया, उसी के FIR को भी मांग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन CID वालों के चक्कर में मत पड़ो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे घनश्याम, इस देश से गुनाहों को मिटाने का काम सिर्फ कानून का नहीं होवे, हमारा भी कोई फर्ज बने। हाँ सर, क्या कह रहा था ये अमृत निगम? वो ट्रक जुलाई 2011 में अहमदाबाद से चोरी हुआ है और हमें FIR फैक्स कर रहे हैं। मतलब सर अच्छा नागरिक है, और एक अच्छे नागरिक का तो कर्तव्य होता है कि कानून की मदद करे। वाकई अच्छा आदमी था, बातें भी बड़ी अजीब तरीके से कर रहा था, और उसका बात करने का अंदाज भी कुछ अलग ही था। मुझे तो लगता है कि जिन जिन लोगों से मिलता होगा, बातें करता होगा, मिनटों में उन्हें अपना करता होगा। बड़ा दिलचस्प है ये आदमी। तब तो सर इसे वृंदावन जाके मिलना चाहिए। हमें अमृत से मिलने के लिए वृंदावन जाने की कोई जरूरत नहीं है सर, हम लोग घर बैठे बैठे उसे देख सकते हैं। वो कैसे? 27 फरवरी से एक नया धारावाहिक शुरू हो रहा है, शुभ विवाह, शाम के 7:30 बजे, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ सोनी पर। हाँ ठीक है, आर गेटिंग बैक टू द केस। सचिन मुझे तो लगता है शुभांकर को जानबूझकर उड़ाया गया है उस ट्रक से, जानबूझकर उड़ाया गया है। सर आपका मतलब है कि
किसी ने ट्रक ड्राइवर को पैसे दिए थे शुभांकर को मारने के लिए? हो सकता है सर। अबे शुभांकर ने अपने ऑफिस से जिस जिसको फोन किया उसकी लिस्ट है सर। इसमें तो उसने कामिया को एक भी फोन नहीं किया है। मगर ये कैसे हो सकता है सर? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ये देखो होटल त्रिशा से शुभांकर को सबसे ज्यादा फोन आए हैं। होटल त्रिशा से? क्या कहा आपने, होटल त्रिशा? हाँ होटल त्रिशा। शुभांकर सर इस होटल में एक महीने तक रुके थे जब तक उनका नया घर बन रहा था। एक महीना होटल त्रिशा में ठहरे थे सर? हाँ। ये शुभांकर जब अमेरिका में था तो वहां पे उसने लाखों डॉलर्स का फ्रॉड किया था। बहुत सारे लोग उसके पीछे भी पड़े थे। अमेरिका में लाखों डॉलर्स का फ्रॉड करके शुभांकर भाग कर यहाँ आया है? खूनियों के दिमाग में भी नए नए तरीके आते हैं आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि इस बिंदु की मौत गला घुटने की वजह से नहीं हुई। क्या मतलब? इसे रस्सी पर लटकाने का नाटक किया गया था बस। हाँ अभिजी, जब तक इसे रस्सी पर लटकाया गया ये ऑलरेडी मर चुकी थी। तो फिर इसकी मौत? एक मिनट, इस बिंदु की मौत कैसे हुई ये हमें ये कैमरा बताएगा। ये छोटा सा कैमरा मैं इसके मुंह में डालता हूं। सब ये कांच जैसा कुछ है ना? हाँ अभिजीत, ये कांच ही है। बस इसे कुछ ऐसी चीज खिलाई या पिलाई गई है जिसमें कांच का पाउडर मिक्स था। जैसे ही वो कांच का पाउडर इसके मुंह से इसके गले में पहुंचा, कांच के छोटे छोटे कणों ने इसके ट्रैक किया और इसके फूड पाइप को काट कर तहस नहस कर डाला और उसी से इस बेचारे की मौत हो गई। इतनी बेरहमी से कोई कैसे मार सकता है किसी को? और इस पर भी खूनी रुका नहीं बॉस। इतनी बेरहमी से इसका खून करने के बाद उसने इसकी लाश को पंखे से भी लटका दी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर शुभांकर बिंदु को मारना चाहता था तो इतनी बड़ी प्लानिंग करने की जरूरत ही क्या थी? अट्टा कट्टा था, कैसे भी मार सकता था बिंदु को। और फिर जब इसकी मौत वैसे हो ही चुकी थी तो फिर इसे पंखे से लटकाने की क्या जरूरत थी? लाश को लटकाना आसान काम तो है नहीं सर। मुझे तो लगता है कि शुभांकर ने खून किया ही नहीं था। ये आप क्या कह रही हैं तारिका जी, आपने तो पूरे केस का हुलिया ही बदल दिया। क्या हुआ तारिका, शुभांकर की उंगलियों के निशान नहीं मिले इस रस्सी पर? नहीं सर, इस पर सिर्फ काम्या के दोस्तों की उंगलियों के निशान मिले। तो शायद उसको उतारते वक्त इन पर आ गए होंगे। तो हो सकता है शुभांकर ने ग्लव्स पहने हो। अच्छा ये चिट्ठियां और बिंदु की लाश, इनके ऊपर उसकी उंगलियों के निशान मिले? नहीं सर, शुभांकर के उंगलियों के निशान ना तो इस बिंदु की बॉडी पे है और ना ही उन धमकी वाली चिट्ठियों पर है, सिर्फ काम्या और उसके दोस्तों के निशाने इन पर। कमाल है सर, ये शुभांकर वो चिट्ठियां भी ग्लव्स पहन के लिखता था क्या? रेडी, अगर शुभांकर ने वो चिट्ठियां ग्लव्स पहन के लिखी हैं, तो उसके ग्लव्स पर जरूर कीड़े मारने की दवाई भी होगी। क्या ग्लव्स के ऊपर कीड़े मारने की दवा? हाँ, जिन चिट्ठियों पर ये धमकियां लिखी हुई थी मुझे उनमें परागकण, पोलन ग्रेन्स और इंसेक्टिसाइड्स मिले। सर परागकण तो फूल में से आते हैं और इंसेक्टिसाइड ज्यादातर ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। मतलब चिट्ठियाँ ऐसे जगह पर लिखी गई है जहाँ पर हरियाली है, खेत खलियान है, फूल भी है। मगर सर इस शुभांकर का बिजनेस तो फाइनेंस का था, पेड़ पौधे से उसका क्या लेना देना? अभिजीत कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शुभांकर को फंसा रहा है? उस त्रिशा होटल में जाकर पूछताछ करो जहाँ पर ये शुभांकर ठहरा था। ये आप क्या कह रहे हैं सर, शुभांकर जी किसी को मारना चाहते थे? ये तो नामुमकिन है सर। शुभांकर तुम्हारे होटल में रहने वाला एक गेस्ट था ना, तो तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि उसके दिमाग में खून करने के इरादे पनप नहीं रहे थे? सर ये हमारे होटल में एक महीना रहे थे और इतना वक्त तो काफी होता है किसी इंसान का नेचर समझने के लिए। हाँ सर, शुभांकर जी तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे और तो और वो हम लोगों को अच्छे टिप्स भी दिया करते थे। शुभांकर जी अच्छे टिप्स देते थे इसलिए सब लोग उनकी तरफदारी कर रहे हैं। ये है वो लड़की जिसे शुभांकर मारना चाहता था, जानते हैं इसे? ये तो मशहूर मॉडल काम्या कुमार है ना? ठीक पहचाना। ये लड़की कभी यहाँ आई थी शुभांकर से मिलने के लिए? नहीं सर।
शुभांकर के कमरे की सफाई तुम करते थे ना? जी सर। कभी इस लड़की की कोई फोटो वगैरह देखी थी उसके कमरे में? नहीं सर, उनका सामान तो बिखरा रहता था, पर इस लड़की की फोटो मैंने कभी उनके सामान में नहीं देखी। होटल के फोन रिकॉर्ड चेक करो, शायद शुभांकर ने इस लड़की को कॉल किया। उन्होंने होटल से तो कभी किसी को कॉल किया ही नहीं, अपने कमरे से सिर्फ रिसेप्शन पे कॉल करते थे, वो भी चाय कॉफी मंगाने के लिए। ये शुभांकर की दिनचर्या क्या थी? मेरा मतलब है डेली रूटीन। ये शुभांकर होटल से बाहर कब जाता था या होटल के अंदर कब आता था, कुछ मालूम है? वो कभी होटल से बाहर जाते ही नहीं थे। क्या शुभांकर 24 घंटे होटल में चिपका रहता था? जी हाँ, वो अपने कमरे में होते थे या फिर होटल की लॉबी में या फिर कॉफी शॉप में। ये शुभांकर पूरे दिन होटल में करता क्या था? स्केच बनाते थे। किस चीज का स्केच? असली चीजों का। हमारे होटल के भी कई सारे स्केच बनाए उन्होंने। हम स्केच देख सकते हैं? वहाँ पीछे दीवार पे लगे हुए। सारे स्केचेस में शुभांकर ने यहाँ सिग्नेचर किया हुआ है। मगर सर, ये सारे स्केचेस शुभांकर ने बनाए क्यों होंगे? मैं भी वही सोच रहा हूँ। ये दो स्केच तो इस होटल का लगता है, ये गार्डन वाला स्केच इस होटल का नहीं है। सही कहा आपने, इस तरह का गार्डन हमारे होटल में कहीं नहीं है। तो फिर ये कौन सी जगह है जिसका स्केच शुभांकर ने बनाया है? चोर, चोर, चोर! चलाना बंद कर, इतनी देर से घंटी बजा रहे हैं, सो रहा था क्या? नहीं साहब, मगर आप लोग हैं कौन? हम लोग CID से हैं। ये शुभांकर का घर है ना? हाँ साहब। शुभांकर के खून का इन्वेस्टिगेशन करने आए हम लोग। शुभांकर साहब का खून हो गया? हाँ, खून हो गया उनका। अभिजीत आते ये देखो। तो कामिया की पूरी कुंडली निकाल के रखी है। 7 जनवरी, 18 जनवरी, 7 फरवरी, 9 फरवरी। तो ये शुभांकर कामिया की जासूसी कर रहा था। ये कहाँ जाती है, क्या करती है, कितने बजे घर से निकलती है, पूरी जानकारी इकट्ठी कर रखी है। क्या ये सब है? मुझे नहीं पता सर। तुम घर में नहीं रहते हो क्या? हाँ, यही रहता हूँ सर। फिर क्या कर रहा था शुभांकर ये सब? कामिया की फोटो की पूजा करते थे क्या तुम दोनों? मैं तो नौकर हूँ साहब, घर में मालिक कुछ भी करे मैं कैसे पूछ सकता हूँ। मतलब तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि शुभांकर इस लड़की को मारना चाहता था? साहब, किसी को क्या मारेंगे, वो तो खुद ही डरे डरे से रहते थे। ये लो, इनके शुभांकर साहब डरे डरे से रहते थे। अरे भाई, उनको किस बात का डर था? ये तो पता नहीं, मगर मानो उनके कोई पीछे पड़ा हुआ था। पीछा तो शुभांकर कर रहा था ना कामिया का। अच्छा, ये लड़की यहाँ शुभांकर को मिलने आती थी? सब मैंने तो इन्हें सिर्फ यहाँ फोटो में देखा था। चलो घर की तलाशी लेते, देखते क्या छुपा के रखा। आप लोग घर की तलाशी ले रहे हैं साहब? चुपचाप खड़े रहो वहीं पे। हमारे पास इस ड्रॉ की चाबी है? नहीं साहब। क्या हुआ भैया? ड्रॉ में ताला लगा हुआ है, शायद अंदर कोई जरूरी चीज होगी। जरूरी चीज? अब ताले ताले पे लिखा है फ्रेडी का नाम। सर एक सेकेंड। फाइल सर। पकड़े सर, ये फाइल मिली सर, ड्रावर में छुपा के रखी थी। ऐसी क्या चीज है इस फाइल में जो शुभांकर ने छुपा के रखी थी? अभिजीत, चिट्ठी। चिट्ठियों के हिसाब से तो कामिया शुभांकर को मारना चाहती थी। अगर शुभांकर ने कामिया को नहीं मारा तो वो उसे मार देगी। उसे उन लोगों ने भेजा है
जिनके साथ शुभांकर ने फ्रॉड किया था, न्यू जर्सी अमेरिकन है। मगर सर, काम्या तो एक मशहूर मॉडल है, वो भला सुपारी लेके किसी का खून क्या करेगी? अगर ये काम्या सच में शुभांकर को मारना चाहती थी तो फिर ये शुभांकर पुलिस के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि शुभांकर ने न्यू जर्सी में फ्रॉड किया था, अगर वो हमारे पास आता तो उसकी पोल खुल जाती। अब जाके थोड़ी सी धुंध हटने लगी है केस से। हुआ ऐसे होगा कि जो भी कोई काम्या की जान के पीछे पड़ा है उसने प्लानिंग करके शुभांकर को चिट्ठियां लिखी कि काम्या उसके जान के पीछे पड़ी है, और शुभांकर ने अपने आप को बचाने के लिए काम्या की जान लेने की कोशिश की। मगर सर, काम्या तो एकदम सीधी साधी लड़की है, शुभांकर को 10 बार सोचना चाहिए था, वो भला उसे क्यों मारेगी? वही तो, मुझे तो लगता है कि ये जो भी कोई है इन दोनों के पीछे पड़ा हुआ, वो इन दोनों के बारे में जरूर सब कुछ जानता है, अच्छी तरह से जानता है, यहाँ तक कि शुभांकर ने अमेरिका में फ्रॉड किया है पैसों का और यहाँ भाग कर आया है। मुझे तो लगता है ये जो भी है जरूर इन दोनों के साथ उसकी दुश्मनी है। मतलब सखूनी एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। एग्जैक्टली, उसने शुभांकर का शिकार तो कर लिया, बची है काम्या। काम्या को किसी भी हालत में हमें बचाना चाहिए। सर, मैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मिलकर आ रहा हूँ सर। उनका कहना है कि इनमें से कोई भी चिट्ठी शुभांकर ने नहीं लिखी है सर। अच्छा, तो इसका मतलब है ये चिट्ठियां उसी आदमी ने लिखी है जो इन दोनों की जान के पीछे पड़ा है। काम करते हैं, गार्डन का स्केच देखते हैं। होटल त्रिशा के मैनेजर ने बताया था कि ये उनके होटल का गार्डन नहीं है, नर्सरी जैसे कुछ लग रहा है, लेकिन इसमें ये लड़की पौधों पर स्प्रे मार रही है। है कहाँ की है जगह? सर, चिट्ठियों के ऊपर से हमें फूल से निकला हुआ पोलन और वो कीड़े मारने की दवा भी मिली थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही है जो शुभांकर को मारना चाहती थी? हो सकता है, मगर ये है कहाँ का स्केच? यहाँ कुछ लिखा है, लगता है कोई जगह का नाम जैसे कुछ लग रहा है। चेल्सी स्क्वायर रोड, ये कहाँ पर हो सकती है जगह? इस नाम का रोड मैंने तो कभी नहीं सुना। विवेक, इंटरनेट पर चेक करो, देखो ये चेल्सी स्क्वायर रोड है कहाँ पर। यस सर। है? तो ये देखिए सर, दुनिया में चेल्सी स्क्वायर नाम के सिर्फ 3 रोड्स हैं, एक ब्राजील में, एक टोरंटो कनाडा में, और एक न्यू जर्सी अमेरिका। न्यू जर्सी अमेरिका में चेल्सी स्क्वायर रोड? सर, ये शुभांकर का मैनेजिंग डायरेक्टर भी तो कह रहा था कि शुभांकर इसी जगह पर रहता है। मुझे तो लगता है ये औरत भी वहीं पर रह रही थी अमेरिका में, तो फिर जरूर ये औरत इन दोनों का पीछा करते करते यहां पर आई होगी। काम करो, शहर में जितनी भी नर्सरीज है सब में जाकर के पूछताछ करो और देखो कुछ पता चलता है क्या। एक्सक्यूज मी मैम, आपके यहाँ पे कोई है? इस नर्सरी में एनआरआई लड़की आई है। एनआरआई? औरत को आसपास देखा है? नहीं। सोच के बताइए। एक्चुअली ये खून का मामला है। यहाँ से फूल वगैरह लेके गई हो? नहीं, ऐसी कोई नहीं थी। पता चला? उस तरफ तो कुछ भी पता नहीं चला। सर, इस तरफ ही कुछ नहीं है, उधर आगे एक नर्सरी है, चलो वहां देखते हैं। अब ये आखिरी नर्सरी बची है, देखते हैं उस औरत के बारे में पता चलता है क्या। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, आपको थोड़ी तकलीफ देनी थी। हम लोग CID से हैं, हम एक ऐसी औरत को ढूंढ रहे हैं जो बाहर से आई है। बाहर से मतलब बाहर के देश से? जी हाँ, NRI इंडिया की है लेकिन बाहर रहकर आई है। सर, ऐसा कोई NRI काम पे नहीं है सर, पर हाँ एक NRI औरत है जिन्होंने 2 महीने पहले ये नर्सरी खरीदी सर। किस देश से आई है वो? शायद अमेरिका से है सर। क्या नाम है उस जगह का? वो न्यूयॉर्क? नहीं नहीं, न्यूयॉर्क नहीं, वो न्यू, हाँ वो न्यू स्वेटर जैसा कुछ होता है वो। अच्छा, न्यू जर्सी? जी जी वही। सर, ये शुभांकर भी तो न्यू जर्सी से आया था ना? इसका मतलब वो औरत शुभांकर को और काम्या को दोनों को जानती थी। क्या नाम क्या है उस औरत का? देखिए सर, मैं इस मामले में नहीं फंसना चाहता हूँ सर। देखिए, हमारी मदद नहीं करेंगे ना तो फंसेंगे आप। अच्छा ठीक है, कान में नाम बताऊँ तो चलेगा? बताओ।
यस सर। आपको पूरा यकीन है? जी। माय गॉड, ये है वो। लगता है बिजली बाई आई सब्जी लेकर। अरे साहब, आप लोग, मुझे तो लगा बिजली बाई आई है। बिजली बाई तो नहीं, और तूफान जरूर आया है। तूफान? जी हाँ, तूफान। भीम साहब कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है वो? पता नहीं साहब। सर, अंदर कोई नहीं है सर। ठीक है, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। साहब, आप लोग घर की तलाशी ना लें, भीम साहब आएंगे तो डांटेंगी मुझे। भीम साहब वापस आएंगी तो डांटेंगी ना। मैं कुछ समझा नहीं साहब। बहुत जल्द समझ जाओगे। ये क्या है? सर, ये देखिए सर। वेरी गुड सचिन, अब समझ में आ गया ये मेम साहब कहाँ गई है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। क्यों वकील साहब, काम तो हो गया ना? आई मीन पेपर्स तो रेडी है ना? मैंने ये पेपर्स देख लिए। आज से आप दोनों माला माल हो चुकी हो, अब पार्टी वार्टी तो बनती है, हैं? ये लीजिए। फैंटास्टिक, मैं इन पेपर्स पे साइन कर देती हूँ। उत्तरा जी, सीआईडी कामयाब तुम? आप लोग यहाँ? देखा सचिन, हमें देखकर इन लोगों को खुशी नहीं होती, उदास हो जाते हैं लोग। ये देख के मेरा दिल बैठ जाता है यार। चलो यहाँ से, ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते। नहीं सर, नहीं सर, अब छोटी मोटी बात को दिल पे नहीं लगाते सर। वैसे अगर हम लोग इनसे बात करेंगे तो ये लोग खुश हो जाएंगे, समझ जाएंगे। मगर सर, आप लोग यहाँ आए क्यों हैं? देखा देखा तुमने, हमारे आने से 50 सवाल खड़े हो जाते हैं। मैं तो अरे सर, प्लीज 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 प्लीज, मैं बात करता हूँ। वैसे कामया जी, आप इस तरह के सवाल मत पूछिए। मगर सर वो देखिए, हम लोग यहाँ शुभांकर के खूनी का नाम बताने आए। शुभांकर का खूनी? पर शुभांकर तो खुद ही खूनी था। नहीं, शुभांकर खूनी नहीं था। मगर सर, शुभांकर ने तो खून किया था ना, मेरी नौकरानी बिंदु का। तुमने उसे मजबूर किया खून करने पे। मैंने क्या किया है? मैंने तो खबर कर, जो जहाँ पे है वही खड़ा रहेगा। देखो, हमें यहाँ से जाने दो, वरना मैं सबको गोली मार दूंगी। ये ड्रामा बंद करो। बंद कर अपनी ये लक्चरबाजी, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, हमें जाने दो। लेक्चर तो अब मैं तुझे दूंगी, और ऐसा लेक्चर तू जिंदगी भर नहीं भूलेगी। बोलो, क्या ड्रामा चला रखा है? शुभांकर मेरा पति था। अब निकली असली बात पेट में से। वैसे बात हमें पहले से मालूम थी। 5 साल पहले हम दोनों का डिवोर्स हो गया था। और तुम्हारे ससुर जी अपने वसीयत में लिख के चले गए कि शुभांकर और तुम साथ में रहो या ना रहो, शुभांकर की मौत के बाद सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। और इस प्लान में मेरे काव्य को भी शामिल कर लिया। हाँ, उत्तरा ने शुभांकर को चिट्ठी भेजी कि मैं उसकी जान लेना चाहती हूँ। और फिर वो चिट्ठी पढ़ के शुभांकर बेचारा फंस गया। तो शुभांकर के पास कामया से बचने का एक ही तरीका था कि वो खुद कामया को मार दे, क्योंकि वो सीआईडी के पास तो आ नहीं सकता था। कानून के निगाहों में वो भी एक गुनहगार था। हमने सोचा कि आप लोग उसे मार देंगे या तो आत्मरक्षा के बहाने मैं उसे मार दूंगी। अगर वो फिर भी नहीं मरा तो वो ट्रक वाला उसे मार देगा जिसे तरह ने पैसे दिए थे। और आखिर में किसी तरह से तुम दोनों ने उसे ऊपर पहुंचा ही दिया, और तुमने कामया हम सबको गुमराह करने की पूरी कोशिश की। उत्तरा ने तो ये सब कुछ पैसे की लालच में किया, लेकिन कामया तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जो इस गुनाह में तुम्हें अपने हाथ काले करने पड़े? उत्तरा ने मुझसे कहा था कि ये मुझे प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा देगी, और पैसों के लालच में तुम्हारा जमीर मर गया और तुमने दो दो खून किए, शुभांकर और बिंदु के। अब बहुत जल्द दो फांसी के फंदे तैयार होंगे। शुभांकर के पैसों के याद में तुम दोनों उस पे झूलते रहना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।